एक गरीब को अन्न उपलब्ध हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष को ये बुरा लग रहा है। 1,52,000 कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री स्वामित्व विवाह योजना से। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जनता के लिए चुनावी सौगातों की बौछार कर रहे हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई बड़े बड़े चुनावी ऐलान किए हैं, जिसमें सबसे अहम ऐलान दलितों को लेकर रहा है। उन्होंने विधानसभा में ऐलान किया है कि सरकार ने माफियाओं की जो जमीन जब्त कर रखी है, उस जमीन पर अब गरीबों और दलितों के लिए घर बनाए जाएंगे। 1,000 योग्य युवाओं को लैपटॉप सरकार के तरफ से दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन देने का भी ऐलान किया है, जिसके लिए सरकार ने 3,000 करोड़ के फंड अलग कर रखे हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में क्या क्या ऐलान किए, आइए एक नज़र डालते हैं। भूमि माफियाओं की कब्जे वाली जमीन पर दलितों का मकान बनेगा। 1 जुलाई से सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को 28% की बढ़ोतरी के साथ डीए मिलेगा। वकीलों को सामाजिक सुरक्षा के तहत 1.5 लाख की राशि 5 लाख रुपए की गई। पिछले 5 सालों में जीएसडीपी 10 से बढ़कर 20 से 21 लाख करोड़ हुई। यूपी की अर्थव्यवस्था छठे से दूसरे नंबर पर पहुंची। 6 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाने में सफलता मिली। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी का दोगुना किया। पिछले 4 सालों में 1,52,000 लड़कियों की शादी कराई। 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन्स बांटे जाएंगे। 2017 के बाद से 40 लाख आवास स्वीकृत। 4.5 लाख युवाओं को नौकरियां दी गई। वहीं सीएम योगी ने ये भी ऐलान किया कि 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए युवाओं को भत्ता देने की भी योजना लाई जाएगी। साथ ही सरकार आश्रय विहीन महिलाओं के लिए भी योजना लाने जा रही है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। अयोध्या की तरफ लोग झांकते नहीं थे, आज तो हर व्यक्ति कह रहा कि राम तो हमारे भी हैं। ब्रज तीर्थ विकास परिषद, भगवान कृष्ण की लीला, बहुत लोग दावा कर रहे थे 2017 के पहले। लोग क्या कहते थे कि हम कंस की मूर्ति लगाएंगे, और जब हमने मानसिकता चेंज की, आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है। सभी स्थल तीर्थ घोषित हो चुके हैं। सभी लोगों को तो मौका मिला था, ये काम ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, पहले राम कृष्ण शंकर, ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी। एक गरीब को अन्न उपलब्ध हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष को ये बुरा लग रहा है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपर टीवी चैनल से। साथ ही राजपर टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।